नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। जिस वक्त की खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के जिला अध्यक्ष पतिराम चौधरी ने किसानों के संग जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन और शासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह लगातार प्रदर्शन करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। आइए डालते हैं ब्यूरो चीफ शाहिद शहीद की रिपोर्ट पर एक। जानकारी चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे धरने पे आए हैं और क्या आपकी मांगे हैं और क्या आप कहना चाहते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन का जिला अध्यक्ष पतिराम चौधरी हूँ, क्योंकि हमारे संगठन का प्रत्येक महीने में 16 तारीख को मासिक पंचायत और ये आज मासिक पंचायत का आयोजन हो रहा है। लेकिन आज के आयोजन में हम ज्ञापन जो पूर्व में हमारे मासिक पंचायत हुई उनमें जो भी मांग पत्र दिया गया है प्रशासन के द्वारा एक भी समस्या का समाधान नहीं किया है, इसलिए आज हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करने के बाद अभी अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच में ये निर्णय लेंगे कि अगर 7 दिन के अंदर हमारे जो पूर्व में दिए गए ज्ञापन हैं उनका समस्या समाधान नहीं किया जाता है तो हम आगामी 22 तारीख से इसी धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन, रोड होल्ड, चक्का जाम, सारे कार्यक्रम सम्पन्न करने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पे डंडा है, जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पे डंडा है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। अभी तो अंग्राई है आगे लड़ाई है, अभी तो अंग्राई है आगे लड़ाई है। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जानकारी चाह रहे हैं, आपने धरना पे मासिक जो हो रही है इसके 7 दिन के बाद में आप जो कह रहे हैं कि हम करेंगे धरना प्रदर्शन, रोड जाम करेंगे, तो इससे जो है गवर्नमेंट आपके अगर अभी नहीं सुन रही तो कभी भी नहीं सुनेगी, फिर आप क्या करेंगे। वो बराबर मेरा कार्यक्रम चलेगा और जिस तरह से हमारी समस्याओं का समाधान ना करने के लिए प्रशासन जो है हम लोगों को एवॉइड कर रही है, ऐसे हालात में हम लोग भी उनको अपनी ताकत का अंदाजा जरूर दिलाएंगे और जरूरत पड़ी तो जब तलक के हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तलक हमारी लड़ाई और हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। और आवश्यकता पड़ने पे आत्मदाह की भी नोटिस दी जाएगी, इसी जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर आत्मदाह भी किया जाएगा। ये आप बहराइच में यहाँ कर रहे हैं, जिला बहराइच के अंदर यहाँ पे कर रहे हैं, आप शहर के अंदर आप इसके अलावा आप तहसीलों में भी और ब्लॉकों में भी क्या आपका इरादा है कुछ इस तरह करने का? बिल्कुल, पूरे जिले के जितने भी ब्लॉक हैं ब्लॉकों में हमारे कार्यकर्ता वहां भी धरना प्रदर्शन करेंगे और जिले पर भी चलेगा। ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा, एक सप्ताह के अंदर हमारी पूर्व की मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो ये कार्रवाई हम लोग चालू कर देंगे और जो है 22 तारीख से हमारा धरना शुरू होगा। 22 तारीख से धरना आपका खाली यहीं बहराइच में शुरू होगा या लखनऊ या दिल्ली और कहीं? बहराइच में अभी हमने बहराइच की समस्याओं को लेकर के, बहराइच के क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के, किसान कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर के हमने मांग पत्र दिया है। ऐसे हालात में हमारे यहाँ के समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है इसलिए अभी बहराइच में शुरू होगा और इसके बाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी प्रोग्राम यहाँ धरना स्थल पर लगवाऊंगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोगों की लड़ाई बढ़ती ही जाएगी। आपकी लड़ाई जो है जिस तरीके से आप ये चल रहे हैं कि हमारी लड़ाई बढ़ती जाएगी, लड़ाई बढ़ती दिया, कब से आप कर रहे हो, आपकी लड़ाई का कोई निष्कर्ष दिखाई नहीं दे रहा है? अब निष्कर्ष क्या, लड़ाई ही लड़ सकते हैं। जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था तो तमाम वीरों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो क्या आप भी आहुति देने के लिए तैयार हैं? आहुति देने के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अधिकारी गुंडा है उसका सर पे डंडा है, जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पे डंडा है। अभी तो अंग्राई है आगे और लड़ाई है, अभी तो अंग्राई है आगे और लड़ाई है। देश की
की आजादी के लिए। आपके यहाँ कौन अधिकारी नहीं सुन रहा उसका नाम बताइए। यहाँ पर सीधे तौर पर हमारा ज्ञापन जो जाता है जिला अधिकारी को के नाम से जाता है और जिला अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, उनकी लायबिलिटी बनती है कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन मांग पत्र पर उनको सभी अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं या जो भी प्रशासन के लोग हैं उनके यहाँ भेज करके उस समस्या का समाधान मंगवा करके हमें एक चिट्ठी हमारे नाम से दिया जाना चाहिए। लेकिन कोई भी हमें कृत कार्रवाई से ना अवगत कराया जाता है और ना किसी समस्या का समाधान किया गया है, इसलिए आज ये समीक्षा बैठक के बाद ये निर्णय लिया। ये कितने दिन से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा? विगत महीने हो गए या दिन हो गए या हफ्ता हो गया, क्या हुआ? ये विगत 4 महीने से 5 महीने से लगभग जो भी मांगे हम लोग करते हैं उनका निस्तारण नहीं हो रहा। तो अब आपने कदम उठाया है कि हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, आश्वासन इन लोगों के आश्वासन पर, प्रशासन के आश्वासन पर। कितनी बार इन्होंने आश्वासन आपको दिया? कई बार इन्होंने आश्वासन दिया लेकिन अब इनके आश्वासन के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना। हमें अपनी लड़ाई अब लड़ करके अपनी मांग मंगवाना है। आंदोलन भी करेंगे, धरना भी देंगे, आत्महत्या की नोटिस भी जारी करेंगे, जिलाधिकारी को गेट पे आत्मदाह भी करेंगे अगर मेरी ना सुनी गई तो, और सुन ली गई तो अधिकारी न्याय।